आपके पास ओप्पो F27 Pro Plus है या फिर आपके पास ओप्पो F25 Pro है, तो उसके अंदर आप सिलेक्ट टू स्पीक कैसे इनेबल कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी मैसेज को आपको पढ़ने होती है तो डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करके छोड़ दोगे, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन पढ़ के बता देता है। तो उसको करना कैसे है, सबसे पहले तो आप जाएंगे सेटिंग में, नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको एक बार चले जाना होता है। जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आपको एक बार टैप कर लेना है। ऐसे जाएंगे, स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक, इसको जाना है, सिर्फ आपको ऑन कर देना होता है। ऑन कर देंगे तो यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन आता है, अगर आपको रिमूव करना है डायरेक्टली आप ऐसे रिमूव भी कर दोगे तो यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब इसको आपको करना क्या, ऑन करना है, अगर जिनको यूज करना है उनके लिए बता रहा हूँ। ऑन करने के बाद एक बार स्पीकर पर ऐसे टैप कर लेना है, अब किसी भी चीज़ को आपको ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ देना होता है तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ के बता देता है। बाकी इस पर आप टैप करोगे और रेड वाले पर टैप कर दोगे तो यहाँ से आपका बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको लगाने के बाद बैक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक, वापस से इस पर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है होल्ड एंड की, ये शॉर्टकट तरीका होता है, इसे यहाँ पर आप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करनी होती है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको आपको सेट कर लेना होता है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं हिंदी, ज़्यादातर हिंदी हमारे इधर बोली जाती है तो मैंने हिंदी सेट कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी सेट करना होगा आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, बाकी स्पीच का होता है, स्पीड होता है और यहाँ पर आपका ये होता है कि उसकी आवाज़ मोटी पतली कैसे रखनी है। तो बाकी यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए दिया जाएगा, ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। इसको आप कम कर दोगे। ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अगर स्पीड बढ़ाना है तो इसको वापस से बढ़ा लोगे, ऐसे जाके आप ये ये फास्ट हिंदी में बोलेगा। भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसको सेटिंग कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।